आज मैं हूँ साहेबाबाद कैलाशवती इंटर कॉलेज के पास। आप देख रहे हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो कि एमएलसी और स्नातक का वोटिंग हो रही है और अपना वोट जो है वो यहाँ पर डाल रहे हैं। और ये बहुत कीमती वोट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई भी अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि वोट आप लोग वोट डालने जा रहे हैं? डाल चुके हैं, डालने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर वोट डालने के लिए? सर अच्छा ही लग रहा है फिलहाल, अच्छा तो कोरोना के समय में जो हो सकता है जी। तो ये कि हाँ वोट डालना अधिकार है, इसलिए वोट डालने जा रहे हैं जी। तो आप पहली बार वोट डाल रहे हैं या हर साल वोट डालते हैं? ये वाले वोट पहली बार ही डाल रहे हैं, अदरवाइज जो होते हैं वो तो डालते ही। क्या आपको जानकारी थी कि 18 सालों से वोट डाले जा रहे थे? नहीं, नहीं जानकारी थी, नहीं थी। तो आज वोट डाल करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम अपने अधिकार का यूज कर रहे हैं जी। जी, तो आप अकेले ही आए या और लोगों को भी लाए? बहुत सारे हैं टीचर्स हमारे साथ। हाँ, स्पेशली मालूम चला कि शिक्षक का भी एक अधिकार है। चला ये फर्स्ट टाइम पता चला है? बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट टाइम ये पता चला है कि यहाँ पर जितने भी वोट डाले जा रहे हैं, शिक्षक के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं, स्नातक के लिए और एमएलसी के लिए, वो पहली बार का है। और मैं उन लोगों से भी जानना चाहूँगा कि जिन्होंने वोट डाला है, सर आप वोट डाल के आए हैं? जी जी। कितनी बार वोट डाला है? ये मेरा कम से कम चौथा टाइम है जी। यानी आपको चार बार से पता था कि ये वोट डाले जाते हैं? जी जी जी। तो कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा था, साफ सुथरा माहौल था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी और अच्छा लगा जी। ये वोट डाले हुए हैं और ये वो जागरूक लोग हैं जिन्हें देश के हित में काम करना या देश को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगा कि सर आपने भी वोट डाला? सर हाँ जी। कितनी बार डाला है? कितनी बार डाला? तो आज कितनी तो एक बार से डाल रहे हैं, आज तो एक ही डाला है। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा आपने भाई ने सवाल ऐसा पूछा, सात बार से तो भाई डाल चुका जी। भाई पहली बार डाला है 59 की एज में जी, वरना हमें पता ही नहीं लगता था कि कब इलेक्शन हुए, कब आपके वोट्स बने। और अभी भी वोट्स मैंने खुद कई फॉर्म्स भेजे थे भर के, लेकिन मेरे वोट्स नहीं आए बनके। इवन माय सन एंड डॉटर इन लॉ डिड नॉट गेट दी वोटिंग राइट। मैंने सुना कि बहुत सारे वोट जो वो काट दिए गए, ऐसा क्यों? आई डोंट नो क्यों काटे गए हैं, अगर काटे गए हैं तो गलत काटे गए हैं। और आप मैडम? फर्स्ट टाइम है। आपने भी डाला है वोट? अरे वाह बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। मैं बात कर, फर्स्ट टाइम ही क्यों डाला है? पहली बार वोटिंग लिस्ट में नाम आया। तो आपने वोटिंग लिस्ट में नाम दिया था या अपने आप ऑटोमेटिकली? दिया था तभी आप आया। जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि कई सारे वोट जो है, लाखों की तादाद में जो वोट थे वो कट भी गए हैं, क्योंकि किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से उनका वोट जो है वो नहीं बना। और लोगों से भी बात करना चाहूंगा कि जिन्होंने वोट डाला, आप वोट डाल के आए हैं सर? कितनी बार वोट डाल चुके हैं अपनी लाइफ में? ये वाला तो पहली बार डाला। पहली बार ही क्यों? क्योंकि 18 साल से वोट डाले जा रहे हैं। हाँ, बनने के लिए हर बार फॉर्म भरे जाते हैं, हर बार होता है लेकिन बना नहीं जी। आज बना और पहली बार डाला, हम दोनों आए जी। आप भी आए? हाँ जी, पहली बार डाला, पहली बार ही डाला। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला है और पता ही नहीं चलता था कि स्नातक का या एमएलसी का जो चुनाव होता है वो इस तरीके से होता है। आप सबको पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और आपका भी क्या वोट वगैरह है क्या इसमें? सर इसमें मेरा कोई वोट नहीं है जी, पर मैं चाहता हूँ कि मानव नाते कि मैंने मानव जाति में जन्म लिया है जी, जी। तो मेरा भी स्नातक का कोई वोट नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि जितने यहाँ लोग काम कर रहे हैं, किसी को पानी मिलना चाहिए, किसी को खाना मिलना चाहिए, तो मैं सेवा करता हूँ जब भी कभी भी ऐसे। आपको भी क्या पहले से पता था कि स्नातक का एमएलसी का चुनाव होता है? सर 1947 से मुझे पहली बार इसका पता चला, अब आज से पहले कभी स्नातक के चुनाव के बारे में कभी कुछ नहीं पता चला था जी। पहली बार ऐसा पता चला, जैसे कि बहुत सारी लोग इस बार, जैसे 30 कैंडिडेट खड़े हैं जी। तो इस बार 30 कैंडिडेट जब मैदान में उतरे तो उन लोगों ने कहीं वोट बनवाने का काम करा जी, जी। कहीं उन्होंने एजुकेटेड लोगों की डिग्रियां मांगने का काम करा, तो ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या खेल सा हो रहा है जी। बहुत सारे लोगों ने अपनी एजुकेटेड डिग्रियां दी नहीं जी, जो स्नातक की डिग्री है वो नहीं दी जी। वो डर रहे थे कि ये क्या ले जा रहे हैं, क्या है, मगर पता नहीं क्यों डर रहे थे। और जब उन लोगों की, जिन लोगों की वोट बन गई और जिनकी नहीं बनी, वो लोग अब पछता रहे कि हमारी भी बन जाती तो अच्छा रहता, आज हम भी स्नातक की वोट डाल पाते जी। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि स्नातक की वोट भी बनती है, और बनती है तो कुछ लोग डरते थे कि पता नहीं शायद हमारे डॉक्यूमेंट्स का कुछ मिसयूज ना हो जाए।
ये हो रहा है ना लाल सफेद लाल। आप यहाँ पर MLC का वोट डाल के आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें विश्वास है कि बहुत तरक्की होगी और बहुत विकास होगा हमारे इस शहर का जी। और हमें पूरा यकीन है, पूरा जी विश्वास है। हमारी शिक्षा नीति में जो चेंज आने हैं वो अवश्य ही होंगे और हम बहुत खुश हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू होने जा रही है और बहुत कुछ चेंज होने वाला है, हमारे देश का विकास बहुत अच्छा होगा आगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे। तो आपकी सिर्फ दो ही वोट थी या और भी लोग थे? कुछ काफी रश है अंदर और सभी वोट जी बहुत लोग आए हैं वोट देने और हम सभी को बोलना चाहेंगे कि प्लीज आइए और वोट दीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे युवा भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट देने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपको ये पहली बार पता चला या आपने पहले भी वोट डाला हुआ है? जी आज हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं और आज ही वोट देने आए हम लोग जी। और आप? पहली बार आए। पहली बार आए, क्या अभी तक मालूम नहीं था क्या? शिक्षा नीति के रिगार्डिंग में जो पहली बार वोट डाल रही है वो हम पहली बार दे रहे हैं। इससे पहले हम अपने विधानसभा वैसे चुनाव लोकसभा के चुनाव के लिए जो हम दो तीन बार वोट तो हम शुरू से देते आ रहे हैं जब से 18 साल के हुए हैं, लेकिन शिक्षा के लिए पहली बार वोट दिया। स्नातक का और MLC का जो है ये पहली बार दिया? पहली बार दिया। क्या जानकारी नहीं थी क्योंकि ये तो 18 साल से था? नहीं जानकारी नहीं थी। नहीं थी तो जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई आपको? हमें स्कूल से ही पता चला कि ऐसे ऐसे इलेक्शन आ रहे हैं और आप जाइए और वोट जरूर दीजिए, अपना कीमती वोट जरूर दीजिए जी। तो आप जो अपना कीमती वोट देके आए हैं स्नातक के लिए देके आए MLC के लिए, तो आपने सिर्फ अपना ही वोट दिया या और लोगों को प्रेरित करके यहाँ पर लेके भी आए? जी लेके भी आए हैं, ये हमको लेके आए हैं, प्रेरित किया है। एक्चुअली मेरा आना नहीं हो रहा था, मेरे घर में गेस्ट आए थे तो बड़ा मुश्किल था, इनका कॉल आया सुबह तो बस इन्होंने बोला कि कैसा लग रहा है गेस्टों के साथ, ज्यादा अच्छा लगता है या यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है? हाउ फील? गुड, वी आर फीलिंग गुड और बहुत अच्छा फील हो रहा है और कामना करते हैं कि आगे हमारी जो शिक्षा नीति है वो बहुत, उससे बहुत तरक्की होगी, हमारे देश का बहुत अच्छा विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्नातक MLC का जो चुनाव है आज 1 दिसंबर को यहाँ पर हो रहा है और हरविंदर जी का यहाँ पर टेंट लगा हुआ है जिसके लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं और लोगों को अवेयर किया भी जा रहा है कि वोट आखिर डालना है तो कैसे डालना है। मैं बहुत सारे स्टॉलों पर घूम के आया हूँ और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है लोगों की और सभी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हर तरीके से। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है वो सारे ही पढ़े लिखे इंसानों का हो रहा है। MLC स्नातक का यहाँ पर वोटिंग डल रही है और मैं आपको बता दूँ ये साहिबाबाद है और साहिबाबाद में कई सारे टेंट लगे हुए हैं, कई सारी पार्टियों के टेंट लगे हुए हैं। मैं उनसे आप जानना चाहूँगा कि ये टेंट आखिर लगाते क्यों हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग ये जो टेंट लगाते हैं और ये जो पर्चियाँ लेके बैठते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वोट जो अंदर डाली जाती है ना उसको पहले रीचेक किया जाता है, एक बार रीचेक किया जाता है कि उसकी वोट है या नहीं है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता, नाम मैच नहीं होता, तो उसको ठीक तरीके से ठीक करके एक स्लिप बना के दी जाती है, अंदर जाके उसको प्रॉब्लम नहीं होती, जाके अपना वोट डाल सकता है वो। आप अवेयर भी करते हैं कि किस तरीके से वोट डाल? हाँ अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वोट किस तरह से डालना है, कभी ऐसा ना हो कि आप वोट डालें आपका वोट रद्द हो जाए आपकी गलती से, तो उसको अवेयर भी कर रहे हैं कि वोट को किस तरीके से आपको डालना है जिससे कि आपका वोट रद्द ना हो, काउंट हो आपका वोट, आपका मतदान जो है काउंट हो, जो आपको अधिकार मिला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो आपको ये भी अधिकार दिए हैं। लोगों को तो पता ही नहीं थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या सिस्टम बनाए गए हैं। देखिए स्नातक और शिक्षक के जो चुनाव हो रहे हैं, MLC के चुनाव हो रहे हैं, उसमें शिक्षक शिक्षकों को चुन सकता है, विधान परिषद में भेज सकता है, अपनी आवाज़ को उठा सकता है, अपने नुमाइंदे को भेज सकता है। देखिए क्या सिस्टम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। सर सिस्टम बहुत अच्छा है सर, इस सिस्टम का 18 साल से ही चल रहा था, क्या आपको भी पहली बार पता है और टेबल आप पहली बार लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, पहली बार टेबल लगा रहे हैं जी। और पहली बार ही चुनाव करा रहे हैं हम तो जी। क्योंकि अब से पहले आज़ाद भारत में ये पहली बार हमें लग रहा है कि हाँ कुछ मतलब एक ये भी एक संविधान व्यवस्था है जी। तो क्या लगता है कि आप जैसे बहुजन समाज के लिए बैठे हुए हैं तो आपका बहुजन की सीट आ पाएगी? बहुजन की सीट हमें उम्मीद है पूरी आ पाएगी और बहुत मजबूती से बहुजन समाज ने सहयोग किया है जी। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि सीट हमारी आ पाएगी। बिल्कुल, बहुजन समाज के लोग भी यहाँ पर हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी की नहीं पर पार्टी के ही लोग हैं, पर यहाँ पर जो है वो सभी लोग आए हुए हैं। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको भी क्या पहली बार पता चला है?
इस तरीके का जो इलेक्शन है, इस चीज़ का तो पहली बार पता चला कि इसका इलेक्शन का और उस इलेक्शन का मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। दूसरी चीज़, पहले से ये तो पता था कि MLC का चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि MLC का चुनाव कौन कौन आदमी लड़ सकता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन है और वो MLC का चुनाव लड़ रहा है, तो बहुजन समाज में तो पहली बार जागरूकता आई है इस चीज़ की, क्योंकि वो भी डॉक्टर साहब ने जागरूक किया है। जो हमारे अरविंदर डॉक्टर हैं सर्जन मेरठ वाले, उन्होंने जागरूक किया इस चीज़ को और उन्होंने वोट पर मानी शुरू किया। हमारे बच्चों को तो यही नहीं पता ग्रेजुएशन के बाद में हमारी वोट भी बनती है, पता ही नहीं था किसी को, हमारे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं था। मैडम आप भी यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रही हैं, कैसा लग रहा है? और मुझे लग रहा है कि आपने वोट भी डाला है। हाँ सर बिल्कुल, मैं तो सर हमेशा से वोट सबसे पहले डालती हूँ और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है और लोग सर थोड़ा चेंज भी चाहते हैं, तो लोग घरों से निकल कर आए हैं, चेंज चाहते हैं कि बहुत दिनों से चेंज हमें मिलना चाहिए। और शिक्षकों की भी, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, तो हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो एक शिक्षक समझ सकता है, तो लोग चेंज चाहते हैं इसलिए लोग घरों से निकल कर आए हैं। और इस बार ज़्यादा रश भी ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो लग रहा है कि इस बार आप यहाँ पर किसी कैंडिडेट की तरफ से बैठी हैं या अपने आप ही एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं? सर मैं तो समाज सेवा के हिसाब से बैठी हूँ कि मुझे आना चाहिए, आगे हेल्प करनी चाहिए कि मैडम लोग जैसे भी परेशान हैं और सर लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो मैं अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकूं, बस ये मेरा मकसद है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर शशि बाला रश्मि जी। शशि बाला रश्मि जी, डॉक्टर शशि बाला रश्मि जी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर खुद ही महिलाओं की हेल्प के लिए बैठी हैं। आप भी अब वोट डालने जाएंगे या डाल चुके हैं? मैं डाल के आई हूँ अभी जी। और मुझे अच्छा लगा, मैंने पहली बार दिया। पहली बार? हाँ जी। हाँ जी। 18 साल में आपको पता पहले से ही था या आज पहली बार ही पता चला था? आज पहली बार कुछ ज्यादा ही पता चला, पहले थोड़ा बहुत पता चला था। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा आ रही हैं क्योंकि महिलाओं को लगता है कि हमारे हक अधिकार के लिए ही ये चीज है। और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और भी पार्टी के लोग। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या आप भी पहली बार बैठे या हर साल बैठते हैं? मैं आज पहली बार ही बैठा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ मतदाताओं को अपना नाम खोजने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग मोबाइल नंबर इसमें अपडेट कराए जिससे कि मतदाता आसानी से अपना नाम सर्च कर सके। इसकी ऐप चुनाव आयोग के द्वारा होनी चाहिए जिससे मतदाता को परेशानी ना हो अपना नाम सर्च करने में। यहाँ ऐसी भी समस्या आ रही है कि चुनाव आयोग ने जो केंद्र बनाए हैं 72 नंबर के मतदाता भी 71 नंबर पर आ गए हैं, उसमें नाम आ रहा है कैलाशवती इंटर कॉलेज, लेकिन मतदेय केंद्र का नंबर आ रहा है 72 नंबर, जो एक दुविधा बनी हुई है। दूसरा मेरा कहना यह है कि चुनाव आयोग को ऐप के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि मतदाता सीधे ही बूथ पर जा सके, अब उसको अपना बूथ भी एग्जैक्ट मालूम हो और मतदान केंद्र भी मालूम हो, मतदान केंद्र और मतदान स्थल दोनों स्पष्ट उसके पास हों, उसको क्रमांक संख्या भी मोबाइल पर एग्जैक्ट मिल जाए। क्या ऐसा नहीं है ये कि पहली बार इतने लोग अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई हो? नहीं ऐसा नहीं है, अभी तक हमारे चुनाव आयोग ने IT सेक्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। यदि उनको अपडेट मोबाइल पर मिल जाए या कोई लिंक ऐसा मिल जाए जो कीपैड मोबाइल पर भी संभव हो तो उससे मतदाता को आसानी होगी अपने एग्जैक्ट बूथ में जाने में और अपने मतदाता सूची में क्रमांक संख्या उसको मालूम होना चाहिए मतदाता को। जी बहुत बहुत बढ़िया सर, ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम मतदान करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं और वो चुनाव आयोग की तरफ से होती हैं। कभी नाम नहीं मिलता है, कभी हमें फ़ोन नंबर नहीं मिलता है, कभी हमारा एड्रेस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ मतदाताओं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारी पार्टियों के लोग हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कितने सालों से वोट डाल? पहली बार डाल रहे हैं जी। पहली बार आप वोट डाल के आ चुके या डाले? आ रहे हैं डालने। डालेंगे? हाँ। इतने सालों में पहली बार, ऐसा कैसे? क्योंकि ये तो 18 सालों से वोट हो रही है, फिर भी नहीं पता चला? नहीं प्रचार नहीं था ना संगठन ने, पहली बार जो है इस बार जो है जोर शोर से काम किया है, जोर शोर से चुनाव लड़वाया। बिल्कुल संगठन जो है इस बार, जो भी संगठन है, मैं और दिखाना चाहूँगा कि सारे संगठन जो है वो पूरे जोर खरोशों से लगे हुए हैं, पूरा दम लगा रहे हैं कि ये स्नातक का और MLC का जो चुनाव है ये भी हर पार्टी जीतने के लिए पूरे तत्पर है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं और प्रत्याशियों में एक नाम अजय गौतम भी है जो बहुजन समाज से आते हैं और
इन्होंने भी बीड़ा ये उठाया है कि स्नातक और एमएलसी का जो है चुनाव उसको जीतना चाहिए और बहुजन समाज के लोग ही जीतें। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि कितने सालों से आप ये टेबल लगा रहे हैं स्नातक के लिए और एमएलसी के लिए? काफ़ी लंबा वक्त हम इसमें प्रयास कराया, हमने पिछले डेढ़ साल से हम इसमें तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि हमें लग रहा है कि जिस तरह हमारे पास वोटर आ रहे हैं, इन वोटरों का मत देखते हुए हमें लग रहा है कि इस बार अजय प्रधान जी आप पहली बार यहाँ पर एक एमएलसी के लिए आए? जी मैं पहली बार ही आया हूँ और पहली बार आने पर मैं देख रहा हूँ अजय प्रधान जी की मेहनत आज सफल होती नज़र आ रही है। तो आपने भी वोट दिया है क्या? जी मैंने वोट नहीं करा, मेरी वोट बनी थी लेकिन कैंसिल होगी, मेरी वोट आई नहीं। कैंसिल हो गई? आपकी वोट बनी है क्या? नहीं मेरी नहीं भाई, नहीं बनी। क्या हुआ, कारण क्या था जो वोट नहीं बन पाया? नहीं एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन नहीं था। अच्छा आपकी ग्रेजुएशन नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ टेबल पे बैठे हैं, जिस भी पार्टी की टेबल हो उस पार्टी के टेबल पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बिना ग्रेजुएशन किया हुआ यहाँ टेबल पे नहीं बैठ सकता, इसलिए भाई साहब खड़े हुए हैं सिर्फ समर्थन के लिए। सर आप भी क्या पहली बार ही आए हैं यहाँ पर? हाँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया और मैंने वोट किया है। आपने वोट किया? यस। बहुत बढ़िया सर, आप वोट डालने जा रहे हैं? जी जा रहे हैं। बिल्कुल, कई लोगों को पता नहीं है पर अवेयरनेस होनी चाहिए और इस बार अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग जो है अब वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगला इलेक्शन जो होगा वो इससे भी ज़्यादा बहुमतों से होगा, बहुमत जो है वो वोट डालने ज़रूर आएगा। मेरे साथ एडवोकेट निमेश जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा सर कैसा लग रहा है आज के इलेक्शन के लिए? सर आज लोकतंत्र का पर्व है और ये सबसे अच्छी बड़ी बात है कि पढ़े लिखों का लोकतंत्र पर्व है, इसमें सभी स्नातक लोग मतदान देते हैं और मैं अपना मतदान कर चुका हूँ अपनी पत्नी सरिता के साथ। अभी आज का जो रुझान है वोटों का, अभी तक तो पोलिंग परसेंटेज बहुत कम है, 40% से लेस देन है जी। और शाम तक 50 तक पहुंचने की उम्मीद है इसकी जी। तो ये जो आप इलेक्शन में आज आप यहाँ पर लोगों को आपने इस इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर किया था, क्या इससे पहले लोगों को मालूम नहीं था क्या, खासकर बहुजन समाज को? बहुजन समाज तो इस चुनाव से बहुत अनभिज्ञ रहा है शुरू से अब तक। मेरी एक मुहिम पिछले 1.5-2 साल से लगातार बहुजन समाज को जगाने की चल रही थी कि इस चुनाव में अपना समाज जागृत हो, अपना प्रतिनिधित्व भेजे सदन में, अपना जो शिक्षा का स्तर है उसके लिए बढ़ाने के लिए अपना एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि भेजे। तो पिछले 1.5-2 साल से मैं बहुजन समाज को जगाने के लिए लगा हुआ था और मेरा खुद प्रयास था कि मैं इसमें कंटेस्ट करूँ इस इलेक्शन को, लेकिन चूँकि बहुजन मतदाता और बहुजन कैंडिडेट आज तक इस चुनाव से बहुत दूर रहे हैं तो उसकी लड़ाई के लिए मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लगातार प्रयास कर रहा हूँ और वो अभी लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी और आपकी जीवन संगनी भी यहीं पर ही है। आपने क्या पहली बार वोट डाला है अपना? एमएलसी का पहली बार वोट डाला है जी। तो क्या इससे पहले अभी तक नहीं पता था? अगर एडवोकेट साहब अगर नहीं बताते तो क्या आपको भी नहीं पता चल पाता? नहीं ऐसी बात नहीं है, सुना तो था लेकिन पहली बार वोट डाला है। कैसा लग रहा, हाउ फील? अच्छा फील हो रहा है, वोट डाल के जा रही हूँ बस। आपको कैसा लग रहा है कि आपने बहुजन समाज को अवेयर किया और बहुत सारे बहुजन समाज के लोग यहाँ पर वोट डालने आए हैं? बहुत खुशी का दिन है आज कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी तादाद में वोट बनी है, जो 4-5-6 हज़ार रह जाती थी वो इस बार 50 हज़ार प्लस कर गई है जी। बस दुख इस बात का है कि जो संगठन वाला बाबा साहब का था ना, शिक्षित होने का, शिक्षित भी हो गए, संघर्ष भी कर रहे हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। उस असंगठित के तौर पर हम देख सकते हैं 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। मैंने खुद इस सब व्यवस्था को देखते हुए खुद अपना नामांकन भरने से रोक दिया, सारे फॉर्म भर चुके थे, सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी, लेकिन जब देखा इस तरह के चल रहा है तो मैंने खुद नामांकन नहीं करा था इसमें। ये जो मेरी लड़ाई है इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। यानी आप ये चाहते थे कि बहुजन समाज का ही कोई ना कोई प्रत्याशी जीते और अगर कैंडिडेट कम होंगे तो जीत ज़्यादा होने की संभावना है? वो एकदम सुनिश्चित था कि इस बार जीत बहुजन समाज के प्रत्याशी की होनी थी, लेकिन कुछ जो मनुवाद कह सकते हो, अप्रकाश कह सकते हो, उनकी जो साजिश है वो इस बार भी अपनी साजिश में नाकाम रहे। तो सर क्या जीत अब होगी तो होगी किसकी 6 में से, आपको अंदाजा है किसका, क्योंकि आप भी रोडों पे घूमे हैं, लोगों को जाना है समझा है? अभी तक का जो रुझान है और जो रवैया है, जो क्या बोलते पतनकारी जो सरकार है इसका ढुंढ रवैया और इस चुनाव से अपनी दूरी बनाना, इसमें कैंडिडेट काम कर रहे हैं तो इसमें कहना मुश्किल है कौन जीतेगा। इस बार वोटर बहुत ज़्यादा है, पोलिंग परसेंटेज कम है, पिछले सत्ताधारी कई बार से लगातार है, उनको वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं लगातार अपनी जीत दर्ज कराने का। अब तो ये 7 तारीख में क्लियर होगा, 7 तारीख तक कैसे क्लियर होगा।
भैया अंदर तो एंट्री भी ठीक है, पूरे अंदर